नमस्कार दोस्तों, एस के हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आप सभी के लिए 27 फिट बाई 50 फिट का हाउस प्लान डिजाइन किया है। इस प्लॉट में 2 साइड रोड और 2 साइड अदर प्रॉपर्टीज है। दोस्तों, आप सभी को ये हमारा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए प्लान देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और इधर प्लॉट का साइज 27 फीट वाइड है, दूसरी साइड 50 फीट है। इस प्लॉट में वन साइड इधर रोड है इस साइड, और दूसरी साइड इस साइड रोड है। ये कॉर्नर का प्लॉट है और यहाँ पर हमने मेन गेट डिजाइन किया है। मेन गेट 10 फीट वाइड है। यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो ये पोर्च का एरिया रहेगा 10 फीट बाई 15 फीट 9 इंच। इसमें 10 फीट यहाँ से यहाँ तक ये साइड और 15 फीट 9 इंच यहाँ से यहाँ तक ये साइड रहेगी। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेयर केस डिजाइन किया है। इसमें ये 3 फीट वाइड स्टेयर्स हैं ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए हैं। ऊपर का पोर्शन अगर रेंट पर्पज से उठाना चाहें तो किराएदार यहीं से बाहर से ही आ जा सकता है, ग्राउंड फ्लोर वालों को कोई डिस्टर्बेंस किए बिना ही। इधर लॉन रहेगा ये 4 फीट वाइड, यहाँ पर अपने फ्लावर पॉट्स वगैरह लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं। और ये रहेगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ है 15 फीट बाई 11 फीट। इसमें 15 फीट ये साइड और 11 फीट ये साइड। ड्राइंग रूम से अटैच ये टॉयलेट है 7 फिट बाई 4 फिट का। इसमें 7 फिट ये साइड है और 4 फिट यहाँ से यहाँ तक ये साइड रहेगी। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो हमने लॉन की तरफ डिजाइन की है और दूसरी विंडो इधर दूसरी साइड भी रोड है इसमें इधर डिजाइन की है। इससे क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, रूम का टेम्परेचर अच्छा रहेगा। और यहाँ से हम आते हैं लिविंग हॉल में, और दूसरे इधर से पोर्च की तरफ से भी ये डोर लिविंग हॉल में है। तो लिविंग हॉल एंड डाइनिंग एरिया का साइज है 14 फीट 6 इंच बाई 19 फीट 6 इंच। इसमें 14 फीट 6 इंच ये साइड और 19 फीट 6 इंच ये साइड रहेगी। यहाँ एक बेडरूम डिजाइन किया है, ये है 10 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का। इसमें 10 फीट 6 इंच ये साइड और 12 फीट ये साइड है। रूम के वेंटिलेशन के लिए इस साइड में हमने विंडो डिजाइन की है। और यहाँ पर ये टॉयलेट है 5 फीट बाई 7 फीट का। इसमें 5 फीट ये साइड और 7 फीट ये साइड रहेगी। पीछे की साइड में हमने एक और बेडरूम डिजाइन किया है, ये मास्टर बेडरूम रहेगा 15 फिट बाई 12 फिट का। इसमें 15 फिट ये साइड और 12 फिट ये साइड। इसे अटैच टॉयलेट है ये 5 फिट बाई 7 फिट का। इसमें 5 फिट यहाँ से यहाँ तक और 7 फिट ये साइड। इसका वेंटिलेटर इधर रोड साइड रहेगा। और रूम के वेंटिलेशन के लिए भी हमने एक विंडो इधर डिजाइन की है रोड साइड में, और दूसरी विंडो इधर ओपन एरिया की तरफ डिजाइन की है। यहाँ पर हमने किचन डिजाइन किया है, ये 10 फिट बाई 7 फिट का है। इसमें 10 फिट यहाँ से यहाँ तक ये साइड और 7 फिट ये साइड। ये हमारा वर्किंग स्पेस रहेगा। और इधर हमने रेफ्रिजरेटर के लिए भी जगह डिजाइन की है, ये 4 फिट 6 इंच वाइड। और ये हमारा ओपन एरिया की तरफ हमने ये विंडो डिजाइन की, जिससे किचन का धुआं वगैरह इधर से निकल सके। तो दोस्तों, आप सभी को ये हमारा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी और आप किस किस साइज़ की वीडियो चाहते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।